कांग्रेस के कद्दावर नेता और ओसिया से पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा की दहाड़ से पूरा विपक्ष थरथर कांपता है। दिव्या अक्सर अब बेबाक होकर अपनी बातें मंच से सभी के सामने रखती हैं। उनकी आंखों में जोश और शब्दों में आत्मविश्वास दिखाई देता है और यही कारण है कि ओसिया की जनता उनसे बेहद प्यार भी करती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद और महिलाओं का प्यार दिव्या मदेरणा को खूब मिलता है। दिव्या अक्सर शेरनी की तरह मैदान में उतरती हैं और हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत रखती हैं। आपने बदतमीजी करी है ना, इसलिए आई। अब आप दिव्या के नए वीडियो को ही देख लीजिए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब तैर रहा है, जिसमें मदेरणा पुलिस की जीप में बैठकर पुलिस को ही फटकार लगा रही है। मदेरणा के सामने खाकी भी मौन है। राजस्थानी बाबा नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया। सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको मामला भी बताते हैं। आपने बदतमीजी करी है ना, इसलिए आई हूँ। अब आपसे कोई संवाद नहीं करेंगे, आपके कमिश्नर बात करेंगे। नहीं तो आप जिसको लेने आए हो ना, जब जब एक कान खोल कर सुन लेना, और बिजली विभाग में और कहीं पे भी, जब जब बिस्कॉम या किसी किसान के घर जाओगे तो मैं आपको तैयार मिलूंगी, आ जाऊंगी। दरअसल बताया जा रहा है कि ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा वीडियो में डिस्कॉम की विजिलेंस टीम को फटकार लगा रही है। दिव्या का आरोप है कि ये लोग किसानों के कनेक्शन काटने के लिए आए थे। वहीं डिस्कॉम के जीईएन दुर्गेश चंद्र का कहना था कि वो कनेक्शन लगाने आए हैं। वीडियो में दिव्या कहती नजर आ रही है कि मुझे अरेस्ट कर लो। इस वीडियो के वायरल होने से पहले दिव्या ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था और वहां पहुंचने की वजह भी बताई थी। आपको सबसे पहले ये वीडियो दिखाते हुए बताते हैं कि आखिर दिव्या ने क्या कहा था। इस वीडियो पर दिव्या ने कैप्शन दिया था, मुझे सूचना मिली है कि मथानिया क्षेत्र के बालरवा गांव में सावर जी परिहार सरपंच प्रतिनिधि के घर पर विद्युत विभाग के जेईएन और पुलिस कर्मियों द्वारा सत्ता पक्ष के इशारे पर बदले की भावना से कार्य करते हुए तानाशाही पूर्वक परेशान किया जा रहा है। मैंने जेईएन और पुलिस अधिकारी से दूरभाष से बात की है, उन्होंने बदतमीजी की। मैं मौके पर जा रही हूँ और विद्युत विभाग और पुलिस कर्मियों को ऐसे जनता के साथ मनमानी नहीं करने दूंगी। मदेरणा का कहना है कि वहां बदले की राजनीति से काम किया जा रहा है, इसलिए वो वहां पहुंची। दिव्या का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसे सभी शेयर करने लगे। राजस्थानी बाबा नाम के यूजर ने लिखा, शेरनी दिव्या मदेरणा की दहाड़, किसानों से पहले मुझे जेल में डालो। मारवाड़ में आज लोगों को फिर मदेरणा की याद दिला दी। असली खून यही होता है जो सीना तान कर खड़ा होता है। त्रिभुवन नाम के एक यूजर ने लिखा, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हवा को देख के जालिब मिसाले हम अस्त्रा, बजाय जिए जोम हमारा नहीं बदलते हम। अमरेंद्र खलबली नाम के एक यूजर ने लिखा, किसान का ट्रांसफार्मर बाद में लेकर जाना, किसान को बाद में लेकर जाना, पहले मुझे ही थाने में बंद कर लो। बदले की भावना से सरकारी कार्यवाही का खुलकर विरोध किया जाएगा, ये किसानों की धरती है, किसी अडानी की नहीं। दिव्या मदेरणा की दहाड़ से एक बात तो साफ है कि मदेरणा का रुतबा आज भी कायम है। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।